Hey class 7th, so in the last video we read about the water cycle, infiltration, aquifer, water table. Okay, means approximately we have got the idea that how the water is fulfilling our demands and what are its advantages. Means I can say that water is that important that you cannot live without water for a day also. एक दिन भी तुम बिना पानी के बिता नहीं पाओगे. तुम्हें नहाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, क्लियर, सैनिटेशन मेंटेन करना है. तो इन सब चीज़ के लिए हमको पानी बहुत ज़रूरी है. बट प्रॉब्लम ये है कि पानी घट रहा है. फ्रेश वाटर हमारे पास, फ्रेश वाटर पानी बहुत है हमारे पास. देयर इज नो वाटर प्रॉब्लम. ओके, वाटर का अमाउंट है लेकिन फ्रेश वाटर का अमाउंट नहीं है. एक वर्ड हम लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी. वाटर स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ वाटर ऐसा बोलते हैं लोग कि पानी अगर कम हो जाए तो वाटर स्कैर्सिटी है. लेकिन हमारे पास तो पूरे वर्ल्ड में 70% पानी है और 30% लैंड. मतलब 30% लैंड में हम लोग रहते हैं. सोच लो तो 30% लोगों के लिए 70% पानी कम होता है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा है. लेकिन प्रॉब्लम यह है जो 70% पानी है उसमें से 67% सॉल्ट वाटर है. क्लियर, 2% तो आसपास आइस होके है. बचा कितना? 1%. 1% का फ्रेश वाटर हम यूज़ करते हैं. तो पूरी दुनिया जो 30% में रहती है वो इस 1% पानी पर डिपेंड करती है. तो वाटर स्कैर्सिटी क्या होगा? लैक ऑफ फ्रेश वाटर. जब फ्रेश वाटर का कमी होगा तब हम उसको वाटर स्कैर्सिटी मानेंगे. ठीक है, सिर्फ पानी के कमी को नहीं मानेंगे, फ्रेश वाटर के स्कैर्सिटी या लैक को हम वाटर स्कैर्सिटी मानेंगे. क्लियर, हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर तो रेन है. क्लियर, और ये बारिश जब होता है तो अच्छा, हमको पानी कहाँ से मिलता है? मेनली रिवर से मिल जाएगा हमको पानी. ओके, देन हमको मिल जाएगा कहाँ से? लेक्स से मिल जाएगा. रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया. ओके, और फिर अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है. मीन्स हम पानी वाटर टेबल से भी ले लेते हैं. क्लियर, अंडरग्राउंड वाटर से. तो प्रॉब्लम यह है कि लेक्स और इनका पानी ये तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये बैलेंस हो जाता है बड़े आसानी से, लेकिन जो वाटर टेबल है उसमें प्रॉब्लम है. क्लियर, वाटर टेबल जो है हमारे पास उसमें प्रॉब्लम है. वाटर टेबल घट रहा है. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ वाटर टेबल. अपर लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. सो ये पूरा पानी है तो ये अपर लेवल को बोलेंगे वाटर टेबल. क्लियर, दिस अपर लेयर इज वाटर टेबल. सो ये वाटर टेबल अब घट रहा है. पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया है और आगे जाके शायद बहुत नीचे भी पहुँच जाएगा. क्यों ये क्यों घट रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्लियर, सबसे बड़ा बात है एक्सेसिव यूज़. ओके, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और अभी भी बढ़ रहा है. सॉरी, पॉपुलेशन स्पेलिंग गलत हो गया. ओके, एडजस्ट करना इसको. तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारा, तो यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग. क्लियर, मैं अभी तुम्हारे ग्रुप में डाला हूँ एक मैसेज पॉपुलेशन के बारे में. तो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रहा है हमारा यूज़ भी बढ़ रहा है. और जिस तरह हमारा यूज़ बढ़ रहा है तो वाटर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लेवल जो है वो घट रहा है. समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है. क्लियर, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज भी वाटर यूज़ करते हैं डेली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, चीज़ों को वॉश करने के लिए. क्लियर, तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगा तो वाटर का यूज़ बढ़ेगा, तो वो लोग वाटर टेबल से पानी लेंगे तो वाटर टेबल डिप्लीट करेगा, घटेगा. क्लियर, नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ रहा है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या करते हो? तुम इरिगेशन देते हो. क्या देते हो? इरिगेशन. बताया था मैं इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स.
क्रॉप्स को पानी सप्लाई करना होता है इरिगेशन। तुम्हारा एग्री ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा खाना, फूड डिमांड बढ़ जाएगा। जब फूड डिमांड बढ़ जाएगा तब हमको ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा इरिगेशन देना पड़ेगा। ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो वाटर टेबल तो घटेगा ना, पानी का लेवल तो नीचे वाला घटेगा ना, क्लियर। और हम, और एक लास्ट चीज़ है लैक ऑफ रेनफॉल। बारिश बहुत कम हो गया है आजकल, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बारिश घट गया है, बहुत पेड़ काट रहे हैं हम लोग, क्लियर। सो ये सब रीजंस हैं। ओके, एक और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन भी ऐड कर देंगे। बारिश, देखो रेन जब आता है तो क्लाउड से ही आता है, तो क्लाउड्स बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? पेड़ हेल्प करता है। रेन क्लाउड्स बनाने के लिए पेड़ हेल्प करेगा, तो पेड़ ही अगर नहीं रहेगा तो रेन क्लाउड कहाँ से बनेगा, बारिश कहाँ से होगा? डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है, समझ में आ रहा है? क्लियर। सो दीज आर द रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का डिप्लीशन के लिए रीज़न है। तो इसको वाटर को हम सेव कर सकते हैं कि नहीं, वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं? ये वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट क्या है? इसका मतलब तुम पानी को सही तरह से यूज करो। ओके, यूज वाटर इन ए जुडिशियस वे। जुडिशियस वे मतलब जितना चाहिए उतना, जो सही है वैसे करना, क्लियर। सो जुडिशियस यूज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन। सही तरह से इस्तेमाल करो और जितना चाहिए उतना ही यूज करो और पानी बचाओ, ये है तुम्हारा वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट। ये जरूरी है क्या? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी का अमाउंट कम है और हमको पानी के वेस्ट को घटाना होगा। वी नीड टू कंट्रोल द वेस्ट ऑफ वाटर, क्लियर। जो वाटर वेस्ट हो रहा है हमसे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, समझ में आ रहा है? हमको वाटर टेबल को मेंटेन करना है, वाटर टेबल को मेंटेन करना है, उसके लिए भी वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए वाटर रखना भी है हमको, फ्यूचर के लिए वाटर कंजर्व वाटर फॉर्मूला कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए भी तुमको पानी कंजर्व करना है। तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, आज से जो 50 साल बाद आएगा, तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? अरे बिना पानी के प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? और बिना फोटोसिंथेसिस के तो प्लांट मर जाएगा, और प्लांट मर गया तो हम एनिमल्स कुछ नहीं है, हम भी कुछ दिनों के अंदर मर जाएंगे, समझ में आया? क्लियर आ रहा है समझ में? क्लियर। अब देखो, तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करें? ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहला तो जितना लीकेजेस है, सील द लीकेजेस वाटर, हाउ टू मैनेज वाटर और हाउ टू कंजर्व वाटर, कुछ भी लिख सकते हो, हाउ टू कंजर्व वाटर। सील द लीकेजेस, जितना लीकेज हो रहा है घर में, सोचो लीकेजेस इन डोमेस्टिक पाइपिंग। ओके, डोमेस्टिक मतलब घर का, डोमेस्टिक पाइपिंग्स, क्लियर। जितना लीकेज सबको सील किया जाएगा। दूसरा, कंट्रोल्ड इरिगेशन, इरिगेशन कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल्ड इरिगेशन। देखो कंट्रोल्ड इरिगेशन में क्या आना चाहिए, देखो मॉडर्न मेथड लिख देता हूं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन होना चाहिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, तुम दो चीज बहुत इस्तेमाल करते हो, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इरिगेशन में तुम क्या करते हो, नॉर्मली तुम पानी दे देते हो, है कि नहीं, पानी तुम दे देते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, पानी वेस्ट हो जाएगा, एक्सेसिव पानी होगा तो क्रॉप मर जाएगा और पानी वेस्ट भी जाएगा।
तो क्या करना है, बढ़िया सिस्टम है, देखो ये लैंड है, सोचो यहाँ पे पेड़ लगाए हो, तो तीन ठो पेड़ लगाए हो, तीन तीन छठों पेड़ लगाए हो, क्या करना, बीच से एक पाइप मोटा सा लगा देना है, हर एक प्लांट के रूट्स में एक छोटा छोटा पाइप दे देना है तुमको बस, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ वहाँ पानी और नहीं जाएगा, ये मेन पाइप जब पानी आएगा ना, सीधा जाएगा रूट्स को, और जितना चाहिए उतना। और यहाँ पे क्या खासियत है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, तो एक साथ नहीं गिरता, यानी पानी का वेस्टेज नहीं होता, समझ में आया। देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जितना पानी चाहिए उतना पानी लेगा, बाकी एक्स्ट्रा पानी बच जाएगा तुम्हारा, समझ में आया। एक और है स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर मतलब स्प्रे करते हो ना, तो देखे होगे ऐसा फिल्मों में, खेतों में क्या होता है, बड़ा बड़ा पाइप ऐसा लगा देता है ऊपर, और यहाँ पे ऐसा होल दिख रहा है, होल रहेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, स्प्रे होगा चारों तरफ, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, इससे भी पानी बचता है, समझ में आया। और एक कर सकते हो तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग का मतलब कलेक्टिंग, याद रखो एक पॉइंट, वर्ड का मतलब क्या है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, यानी रेन वाटर कलेक्टिंग, तो बारिश के पानी को कलेक्ट करना है। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, तुम लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी किए होगे, घर का छत जो है तुम इस्तेमाल कर सकते हो, घर के छत को साफ कर देना है, यहाँ पे सोचो नॉर्मल वे से पॉलीथीन लगा देना, बड़ा सा पूरा फैला देना, और साइड में एक होल कर देना और पाइप लगा देना, क्लियर। जब बारिश होगा तो पहले बारिश के पानी को तुम क्या करना, पाइप से, अच्छा नीचे अंडरग्राउंड में टैंक भी बना सकते हो तुम इसको, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम टैंक बनाओ या डायरेक्टली सॉइल को दो, तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। पहले बारिश को क्या करते हैं, कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ होता है, बोला था मैं पहली बारिश, पहले कुछ बारिश था, साफ पानी नहीं आता, पहले पाँच छः सवाल छोड़ देना, छत को साफ करना उसको, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसेज रखे रहना, उस पानी को इस तरफ से पास कर देना, साफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो बारिश सब आएगा, सबका पानी भर भर के पाइप के थ्रू जाके अंदर कलेक्ट होगा। तुम यहाँ पे अपने लिए टैंक बनाओगे तो ठीक है, इसको सॉइल के अंदर दे दोगे तो भी ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि पानी कलेक्ट करेगा, और अगर सॉइल में देते हो तुम तो वाटर टेबल को और बढ़ाएगा, समझ में आया, क्लियर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना, नोट्स भेजूंगा, समझ में नहीं आएगा पूछना, तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, क्लियर। पढ़ो, समझो, डाउट निकलेगा बताना, ओके, हैव अ गुड डे।